फिर से खा गए हैं खंडेराव धोखा और नाराज हो गए हैं देवी अहिल्या से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो द्वारिका रानी और गुनु जी का मिशन खंडेराव की बदनामी, ये तो सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक रात खंडेराव का वहां पे रहना और उसके बाद बाहर वाड़े में बातें होना, ये तो हो चुका है। मगर इस सबके बीच में खंडेराव क्या सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन है उनका असली दुश्मन और कैसे बार बार धोखे में धोखा खाए जा रहे हैं, चलिए चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। खंडेराव की चर्चा होनी शुरू हो गई है कि उनका रमजानी के साथ कुछ तो चल रहा है और इस चर्चा को बढ़ावा देने वाले कौन है ये हम सब जानते हैं, मगर खंडेराव नहीं जानते हैं। खंडेराव जैसे पहले गलतियां करते आए, इस बार फिर से गलती कर रहे हैं। खंडेराव अगर दूर तक सोचे कि उनको वहां तक ले जाने वाले कौन थे, खंडेराव को यह सब याद है कि मैं बाहर आया, मैं कैसे लड़खड़ा रहा था, फिर जब मैं उठा तो रमजानी के घर पे था, वहां पे कोठे पे था। तो यहां पे खंडेराव को सोचने में देर नहीं लगनी चाहिए कि कौन है इसके पीछे। वो सिर्फ एक ही चीज देख पा रहे हैं कि मेरी पत्नी देवी अहिल्या जलन फील करती है रमजानी से, इसीलिए उन्होंने इन बातों को बढ़ावा दिया है। इसलिए तो जब देवी अहिल्या खंडेराव से पंडित जी की बात करने आएंगी और खंडेराव इस बात को ना करके कोई दूसरी बात करेंगे कि तुमने ये सब बात फैलाई है बाहर, मतलब वो देवी अहिल्या की इंटेंशंस पे भी शक कर रहे हैं कि ये अपने पति को बदनाम करेगी या कर रही है, मगर उस तरफ नहीं जा रहे हैं जिस तरफ उनको जाना चाहिए, गुनु जी की तरफ। गुनु जी जो उनको वहां पे छोड़ के आते हैं, चलिए मानते हैं कि खंडेराव को याद नहीं रहा, मगर रमजानी से तो पूछ सकते थे कि मैं यहां पहुंचा कैसे, क्या मैं अकेला आया था या मुझे कोई छोड़ ले आया था, मगर उन्होंने इस बात की तहकीकात ही नहीं की। सीधा सीधा उन्होंने देवी अहिल्या पे इल्जाम लगा दिया कि तुमने बातें फैलाई हैं। तो ये फिर से धोखा खाने वाली ही बात है दोस्तों, क्योंकि जो ये सब कर रहे हैं उनकी तरफ ना देख के अपनी ही पत्नी को बार बार दोषी ठहराना, उनको ही कटघरे में खड़ा करना, खंडेराव के लिए बहुत ही जो है दुविधा वाली बात है, खंडेराव की बहुत ही ज्यादा ना समझी वाली बात है। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.